यहाँ पे मैंने पिक्चर स्टॉप की हुई है। ये कैप्टिवा 2.2 ऑटोमेटिक का डीजल टैंक है जो मिडल रो के नीचे आता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दो कैप दिखाई देंगी। जो राइट साइड वाली कैप है उसके अंदर सिर्फ गेज है, फ्यूल गेज, और लेफ्ट साइड वाली जो कैप है उसके अंदर फ्यूल पंप विद गेज आएगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दो कैप दिखती है, आपको लेफ्ट साइड वाली खोलनी है अगर फ्यूल रिलेटेड इशू है तो, क्योंकि वहाँ पे ही फ्यूल पंप है। तो असेंबली आपको समझ में आएगी जैसे आप ओपन करेंगे उसको। ओके, तो ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये दो फ्यूल गेज जो दिए है वो इसलिए दिए है क्योंकि सामने ये 4x4 है, जो प्रोपेलर शाफ्ट है जो गाड़ी के नीचे से पीछे की तरफ जाता है उसकी वजह से बीच में थोड़ा सा फ्यूल टैंक दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो अगर गाड़ी किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते से जा रही है या टेढ़ी मेढ़ी चल रही है तो उस कंडीशन में अगर डीजल इधर उधर हिलता है ना तो वो दोनों तरफ का रीडिंग लेके आगे क्लस्टर में दिखाता है कि एग्जैक्ट फ्यूल की लेवल क्या है। तो उसकी वजह से वहाँ पर दो फ्लोट दिए हुए। तो फ्यूल रिलेटेड अगर इशू हो तो आपको सिर्फ लेफ्ट वाला ओपन करना है। और अभी जो आप इमेज में सामने की तरफ देख रहे हो जो गेज जैसा दिख रहा है वो फ्यूल गेज है, वो फ्यूल पंप नहीं है, फ्यूल पंप सिर्फ लेफ्ट साइड में। मैं सिर्फ ये वीडियो में बता रहा हूँ लेकिन आप जब खोलने के लिए वहाँ पर जाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्ट क्या बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपका टाइटल क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फ्यूल फिल्टर असेंबली किस तरीके से दिखती है। आप इसमें अगर कोई सस्ती वाली मोटर डालकर उसको शुरू करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये शुरू होने वाली नहीं है, क्योंकि ये तरीका मैंने इसमें आजमा के देख लिया था। ये वाली नई मोटर है जो मैंने डाली हुई है। ओके, तो ये लोकली मिल जाती है लेकिन आप उसको इसमें इंस्टॉल करके अगर ट्राई करके देखेंगे तो गाड़ी बिल्कुल भी शुरू नहीं होगी, क्योंकि जितना फोर्स जनरेट होना चाहिए उतना वो नहीं कर पाती। ये ओरिजिनल है जो मेरे हाथ में अभी है। इस तरीके से दिखती है ये। इसको अभी मैं डिसअसेंबल करता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ कि डिसअसेंबल पार्ट्स किस तरीके से दिखते हैं। ये असेंबली पूरी तरीके से मैंने डिसमेंटल की है, आप देख सकते हैं। ये लोकल वाली मोटर है। ओके, और ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इस तरीके से दिखते हैं। आप लोकली लाके कोई मोटर इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको ये कंपनी से ही परचेज करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स इसकी जो कीमत है 27-28 हज़ार के आसपास आ जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी फ्यूल फिल्टर असेंबली आ जाती है उसमें, सिर्फ मोटर नहीं आती। अगर वही आप इंस्टॉल करेंगे पूरी के पूरी तभी ये गाड़ी शुरू होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी ये वीडियो मैंने बाद में एडिट किया है। ये जैसे मैंने नई फ्यूल असेंबली डाली तो गाड़ी शुरू भी हो गई और चलने भी लगी, क्योंकि आप लाइव प्रेशर टेस्ट लेते हैं तो उस कंडीशन में इसका प्रेशर वैसे तो सही दिखा रहा था लेकिन थोड़ा सा कम दिखा रहा था। तो वो उतना नहीं था कि गाड़ी शुरू ही नहीं होगी, वो आसानी से शुरू हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई। तो उसके कारण मुझे वो पूरी फ्यूल फिल्टर असेंबली रिप्लेस करनी पड़ी। तो गाड़ी जैसे ही वो आई मैंने मंगाई
वो आई, आने के बाद मैंने वो गाड़ी में डाल के उसको इंस्टॉल किया, सही तरीके से सब जोड़ दिया और उसके बाद मैंने जाकर स्टार्टर लगाया तो गाड़ी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स किस तरीके से दिखते हैं। तो आपके पास अगर कोई कैप्टिवा 2.2 ऑटोमेटिक आ जाती है और उसके फ्यूल पंप में इशू है, वो ठीक तरीके से अपना प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोकली कोई भी चीज़ इसके लिए परचेस मत कीजिए। वो कोई भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। आप सीधा जब कंफर्म हो जाएंगे कि इसका प्रेशर कम जनरेट कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पूरी की पूरी फ्यूल फिल्टर असेंबली आपको मंगानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो सेपरेट मोटर नहीं देती है, वो पूरी असेंबली लेनी पड़ती है, वो पूरे असेंबली का ही पार्ट नंबर आता है, सेपरेट मोटर का पार्ट नंबर कंपनी के पास नहीं है, तो वो असेंबली प्रोवाइड करती है, तो आपको असेंबली डालनी है। ओके, तो कॉमन रेल थी, इंजेक्टर्स थे, सप्लाई पंप थे, ये सब पहले ही चेक कर लिए थे। उसके बाद मैंने ये फ्यूल पंप असेंबली है वो चेक की, थोड़ा सा ही प्रेशर कम जनरेट कर रही थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप देखेंगे डायग्नोस में हमेशा यही होता है कि प्रॉब्लम किसी एक जगह पर होती है, लेकिन हम उसे ढूंढते किसी और ही जगह पर, तो उसके लिए ये चीज़ें वक्त खाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको उसके पूरे के पूरे कॉम्पोनेंट से उसके बारे में पता चल गया कि असेंबली पूरी तरीके से मैंने डिसमेंटल किए, आप देख सकते हैं ये लोकल वाली मोटर है। ओके, और ये इसके कुछ कंपोनेंट्स है। कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप लोकली लाके कोई मोटर इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको ये कंपनी से ही परचेज करनी पड़ेगी। अप्रॉक्स इसकी जो कीमत है 27-28 हज़ार के आसपास आ जाती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये पूरी की पूरी फ्यूल फिल्टर असेंबली आ जाती है उसमें, सिर्फ मोटर नहीं आती। अगर वही आप इंस्टॉल करेंगे पूरी की पूरी, तभी ये गाड़ी शुरू होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी ये वीडियो मैंने बाद में एडिट किया है, ये जैसे मैंने नई फ्यूल असेंबली डाली तो गाड़ी शुरू भी हो गई और चलने भी लगी, क्योंकि आप लाइव प्रेशर टेस्ट लेते हैं तो उस कंडीशन में इसका प्रेशर वैसे तो सही दिखा रहा था, लेकिन थोड़ा सा कम दिखा रहा था, तो वो उतना नहीं था कि गाड़ी शुरू ही नहीं होगी, वो आसानी से शुरू हो सकती थी लेकिन नहीं हो पाई, तो उसके कारण मुझे वो पूरी फ्यूल फिल्टर असेंबली रिप्लेस करनी पड़ी। तो गाड़ी जैसे ही वो आई, मैंने मंगाई, वो आई, आने के बाद मैंने वो गाड़ी में डाल के उसको इंस्टॉल किया, सही तरीके से सब जोड़ दिया और उसके बाद मैंने जाकर स्टार्टर लगाया तो गाड़ी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कि ये कंपोनेंट्स किस तरीके से दिखते हैं। तो आपके पास अगर कोई कैप्टिवा 2.2 ऑटोमेटिक आ जाती है और उसके फ्यूल पंप में इशू है, वो ठीक तरीके से अपना प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोकली कोई भी चीज़ इसके लिए परचेस मत कीजिए। वो कोई भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। आप सीधा जब कंफर्म हो जाएंगे कि इसका प्रेशर कम जनरेट कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि पूरी की पूरी फ्यूल फिल्टर असेंबली आपको मंगानी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जो है वो सेपरेट मोटर
नहीं देती है, उस वो पूरे असेंबली ही लेनी पड़ती है, वो पूरे असेंबली का ही पार्ट नंबर आता है, सेपरेट मोटर का पार्ट नंबर कंपनी के पास नहीं है, तो वो असेंबली प्रोवाइड करती है, तो आपको असेंबली डालनी है। ओके, तो कॉमन रेल थी, इंजेक्टर्स थे, सप्लाई पंप थे, ये सब चेक कर पहले ही चेक कर लिए थे। उसके बाद मैंने ये फ्यूल पंप असेंबली है वो चेक की, थोड़ा सा ही प्रेशर कम जनरेट कर रही थी, उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो आप देखेंगे डायग्नोस में हमेशा यही होता है कि प्रॉब्लम किसी एक जगह पर होती है, लेकिन हम उसे ढूंढते किसी और ही जगह पर, तो उसके लिए ये चीज़ें वक्त खाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको उसके पूरे के पूरे कॉम्पोनेंट से उसके बारे में पता चल गया, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने फ्यूल फिल्टर असेंबली देख ली, आपने टैंक के अंदर का नज़ारा देख लिया कि किस तरीके से होता है, आपने कॉमन रेल देख ली, जो इंजेक्टर से वो अच्छी तरीके से देख लिए, सप्लाई पंप देख लिया, वो किस तरीके से इंस्टॉल होते हैं वो देख लिए, इंस्टॉल करते वक्त क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि वो ठीक तरीके से इंस्टॉल हो, वो देख ली। ओके, अगर कोई भी इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उस इंजेक्टर को लोकली, आपके पास आजू बाजू में कोई बॉश का सेंटर हो या कोई और हो, या सप्लाई पंप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको वहाँ पे जाइए, उनके पास अच्छी मशीनरी होती है वहाँ पे, वो उस पर लगा के उनके कंप्यूटर पे वो सब चेक करके, अगर उसके इंजेक्टर के अंदर का कोई पार्ट एबनॉर्मली वर्क कर रहा है तो वो चेंज करके, उसको असेंबल करके वो आपको दे देंगे। तो आपको सिर्फ लाना है और इंस्टॉल करना है, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर कोई कंपोनेंट इंजेक्टर का गया है तो उस कंडीशन में मे बी उस कंपोनेंट के 3-4 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर सिर्फ क्लीनिंग करवा के लेना है तो 800-900 में एक इंजेक्टर क्लीन करके हो जाता है, और जो सप्लाई पंप है उसकी अराउंड जो कॉस्ट है कैलिब्रेट करने की या ये सब चीज़ें करने की, वो 4-5 हज़ार के आसपास जा सकती है। ये डिपेंड है कि क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो मैंने ये चीज़ें सिर्फ अप्रॉक्स बताई है आपको। ओके, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये यही ख़त्म होता है। आपको अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही हो, अभी आप उस गाड़ी पे काम कर रहे हो, तो आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।